इसी तरह इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के ताल्लुक से एक बड़ा मशहूर मारूफ वाक़ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह इमाम मोहम्मद के पास कूफा गए। इमाम मोहम्मद ये बड़े इमाम थे और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के एक तरह से आम जबान में कहूँ तो सीधे हाथ थे, राइट हैंड जिसको बोलते हैं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के पास इमाम शाफी इल्म हासिल करने के लिए उस्ताद से मस्जिद में मुलाकात हुई। तो उस्ताद चलिए अब चलते हैं घर जाएंगे और कुछ आप मुझे इल्म सिखाइए। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इमाम जो है शाफी रहमतुल्लाह को लेकर चले एक घर के पास रुके जिस घर को गेट था, बड़ा आलिशान महल था, बीच में बाग लगे हुए थे। तो इमाम शाफी ने कहा इमाम साहब यहाँ क्यों रुके, चलिए आपके घर पे जाएंगे और वहां जाकर हम हासिल करेंगे। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद, क्योंकि इमाम शाफी का नाम मोहम्मद बिन इदरीस था रहमतुल्लाह, तो बहरहाल कहा मोहम्मद ये मेरा ही घर है, ये मेरा ही घर है और मैं चाहता हूँ कि इस उम्मत के हर आलिम का घर ऐसा ही हो। बड़ी हकीमाना बात थी, उसके पीछे बड़ी हिकमत थी। याद रखिए इमाम मोहम्मद का ये कौल बड़ा ही हकीमाना था। जैसे कि जब आदमी के पास पैसा होता है तो किसी से दब के बात नहीं करता है, किसी से दब के फतवा नहीं देता है, किसी के बारे में सोचकर बात नहीं करता, वही बात करता है जो हक। तो मैं तो चाहता हूँ हर आलिम ऐसा हो। तो वहां इमाम मोहम्मद का बंगला था एक बहुत बड़ा, अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।